Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. First videos में हमने आपको chapter 2 finish किया था. आज हम chapter 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है coordinate geometry. Coordinate geometry के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ इसके important facts जान लेते हैं, जिसमें बताया जाता है जिस मैथमेटिशियन ने इस प्रिंसिपल को दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रिंसिपल को दिया था, उनका नाम था रेनी डेकार्त. तो रेनी डेकार्त द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ऑफ द 17th सेंचुरी के ग्रेट मैथमेटिशियन थे. लाइक टू लाई इन द बेड एंड थिंक, वो पसंद करते थे कि बेड पर लेटे रहना, पड़े रहना, आराम करते रहना और थिंकिंग करते रहना. एक दिन बताया जाता है कि जब ये किसी प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने पर के बारे में सोच रहे थे, तभी इन्होंने जब बेड पर लेटे हुए थे तो छत की तरफ देखा और कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा था तो उसकी पोजीशन उन्होंने देखा और वो मदर के पास पहुंचे कि माँ उसमें कोई इंसेक्ट है जो छत पर क्रॉल कर रहा है. तो उन्होंने पूछा कहाँ पर क्रॉल कर रहा है. अब उनको उस इंसेक्ट की पोजीशन को बताना था कि वो कहाँ पर है. बस वहीं से किसी प्लेन में एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने की चेतना उनके मन में जागृत हुई और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया, जिससे अपनी माँ को बता सके वो इंसेक्ट किस जगह क्रॉल कर रहा है. और वहीं से इन्होंने आज एक प्रिंसिपल का नाम दिया, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं. और इनके ऑनर में रेनी डेकार्त के ऑनर में सिस्टम को जो नाम दिया गया है, और डेस्कार्टे सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट प्लेन इज आल्सो नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम. यानी उनके सम्मान में इस सिस्टम का, इस प्रिंसिपल का जो नाम दिया गया वो कार्टेशियन सिस्टम था. बाकी और विशेष जानकारी हम आगे आने वाले पार्ट में आपको बताते रहेंगे और देखते हैं चलते हैं. इसके बाद और कोई इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं. एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप. यानी उसने कहा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. आपकी स्टडी टेबल पर जो टेबल लैंप रखी है वो दूसरे पर्सन को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में. तो देख रहे हैं आप बोर्ड पर, एक मैंने एक टेबल लैंप बना रखी है, यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर छोटी सी, जिस पर एक टेबल लैंप बनी हुई है और मैं किसी को ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि पॉइंट किस जगह पर हमारी टेबल रखी हुई है. तो सब मैंने अर्जुन की लेट द लैंप ऑन द टेबल एट द पॉइंट पी. मान लीजिए पॉइंट पी पर कोई टेबल लैंप रखी हुई है विच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्गर साइड. जो हमारी लंबी वाली साइड है उस तरफ से कितनी है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द शॉर्टर साइड. मान लीजिए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द शॉर्टर साइड है, तो फ्रॉम द शॉर्टर साइड देन द पोजीशन ऑफ द लैंप इज. तब अगर मान लीजिए हमारी जो 50 सेंटीमीटर लॉन्गर साइड की तरफ से है और 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द शॉर्टर साइड की तरफ से है, तो इसकी जो पोजीशन होगी हमको, तो हम तब क्या करेंगे, देन द पोजीशन ऑफ द लैंप इज 15.25 होगी अथवा 25.15 होगी, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू फिक्स. जो आपने ऑर्डर फिक्स किया है कि पहले आप लॉन्गर साइड की तरफ से ले रहे हैं या शॉर्टर साइड की पहले लेंगे, जो आप पहले ऑर्डर फिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी कह सकते हैं कि लॉन्गर साइड से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और लॉन्गर साइड से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है. तो हम इस तरीके से अपनी पोजिशन को उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो ये इसकी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर देखेंगे, जो टेबल की कंडीशन है, जो टेबल पर लैंप की जो पोजिशन है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो 15.25 अथवा 15.25, ये हमारे उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने उसको ऑर्डर क्या प्लेस किया. आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है. इसमें ये कह रहा है ये सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. दीज टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. किसी शहर में दो रोड है जो आपस में उसके सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, और ये दोनों रोड, इन दोनों रोड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है. इसके बाद ये कह रहे हैं
ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और जो शहर की अन्य जो गलियां हैं स्ट्रीट हैं वो इन सभी रोड के पैरेलल रन करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में मैंने इस तरह बनाने की कोशिश की है, पैरेलल टू ईच दीज रोड्स आर द 200 मीटर अपार्ट, उनके बीच के डिस्टेंस है, प्रत्येक बीच में जो डिस्टेंस है 200 मीटर है अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। यानी हमें एक सिटी का मॉडल ड्रॉ करना है जिसमें जो स्ट्रीट और स्ट्रीट है वो एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करनी है, और यहाँ पर ये मान लिया जाए कि वन जो 1 सेंटीमीटर यूनिट है वो हमारा 200 मीटर के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर एक पहले रोड बनाया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो वो सेंटर पॉइंट ऊपर कट करते हैं। इसके साथ साथ 5 स्ट्रीट इनके पैरेलल खींची गई हैं, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में S1, S2, S3, S4, S5 हमने 5 स्ट्रीट ये खींच दी गई है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं इस तरह से सिटी का मॉडल बनके तैयार हो जाता है, रिप्रेजेंट रोड और स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट हैं, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जहां जहां क्रॉस हो रही है वो सभी बहुत सारी मॉडल क्रॉस स्ट्रीट है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑब्वियसली इसमें जो जितने भी क्रॉस स्ट्रीट है वो प्रत्येक स्ट्रीट 2 स्ट्रीट के क्रॉस से बनी हुई है, जिसमें से एक स्ट्रीट आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही होगी और दूसरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है तो इसमें S1 ये वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है, और ये वाली जो S1 है वो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ तो ये हमारी S3 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और S1 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इस तरीके से कोई भी एक होगी नॉर्थ साउथ की और दूसरी स्ट्रीट होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, इनके क्रॉस से मिलकर के बनी हुई, ऐसा इसमें कहा गया है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, अगर मान लीजिए इसको जो क्रॉस स्ट्रीट को इस मैनर में इसको रखा जाए, इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मान लीजिए सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करती है एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और पांचवें स्ट्रीट में जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रन करती है, तो ये दोनों जहां जिस पॉइंट पर ये कटते हैं ये पॉइंट आपको मिल रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट द सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2.5। यानी इस क्रॉस स्ट्रीट को हम क्या कहेंगे, फिर 2.5 कहेंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं यूजिंग दिस कन्वेंशन, यानी इस तरीके को यूज करके फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4.3। अब 4.3 आप देखें 1, 2, 3, 4, 4.3 आपका यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4.3, और दूसरा है 3.4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3.4। इसके बाद ये पूछा गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, यानी इसके लिए जैसे 4.3 के लिए कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे, तो आप देख रहे हैं 4.3 के लिए एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, 3.4 के लिए वो भी एक ही स्ट्रीट है। इट मींस ईच कन्वेंशन हैव ए यूनिक क्रॉस पॉइंट, यानी प्रत्येक जो कन्वेंशन है उसका जो हमारा जो पॉइंट आ रहा है उसका क्या होगा, एक यूनिकली रिप्रेजेंटेशन है उसको, हम ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा पॉइंट पर डिपेंड उसको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा नहीं उसमें कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें ये बताना है कि इसमें जो क्रॉस स्ट्रीट आए हैं वो हमारे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं 4.2, तो आप देख रहे हैं इसके देयर आर यूनिकली फॉर्म्ड ऑफ द 2 रेफरेंस लाइंस ऑफ द, यानी ईच कन्वेंशन हैव यूनिक क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम द एबव बी ऑब्टेन बी फाउंड दैट
पीच कन्वेंशन have unique cross street. यानी प्रत्येक कन्वेंशन के लिए यूनिक क्रॉस स्ट्रीट है। तो आज के इसमें एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। लास्ट आई वॉन्ट टू सी दैट पढ़ो घर से कहो दिल से दक्ष ट्यूटोरियल से स्टेप टुवर्ड द सक्सेस इज जस्ट हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537.